हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के नव निर्मित दर्शक दीर्घा का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कहा, आने वाले दिनों में क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होगा नया अवसर। दूसरी पैथी के डॉक्टरों को एलोपैथ का इलाज करने का अधिकार देने के सरकार के फैसले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, तमाम चिकित्सा पद्धतियों एलोपैथ, आयुर्वेद व यूनानी को आदि को एक साथ मिलाकर पढ़ाने व इलाज करने से पैदा होगी मिक्सोपैथी, आम जनता पर पड़ेगा इसका दुष्परिणाम। अपर जिला जज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ चित्रगुप्त मंदिर के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। नए पदाधिकारियों को दिलाया पद व गोपनीयता की शपथ। DVNPG कॉलेज के राष्ट्र सेवा योजना की चारों इकाइयों महाराणा प्रताप, सुभाष, गोरखनाथ एवं मीराबाई के स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं द्वारा राष्ट्रीय सड़क यातायात सप्ताह के अंतर्गत निकाली गई रैली। नुक्कड़ नाटक कर यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील। संजीवनी हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर की मासिक बैठक महानगर स्थित सीतापुर आई हॉस्पिटल में हुई संपन्न। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। BRD मेडिकल कॉलेज में भी फैक्टर संग्रह को बढ़ाने का लिया गया निर्णय। SBI और पूर्वोत्तर रेलवे के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच। SBI को 53 रनों से हराकर पूर्वोत्तर रेलवे की टीम बनी विजेता। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने विजेता तथा उप विजेता टीम को किया पुरस्कृत। गोरखपुर में रविवार को मिले मात्र 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,427। अब तक 360 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 77 रह गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भोजपुरी विकास मंच के तत्वाधान में भाषा भवन इंदिरा नगर में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कृतकार्य आचार्य डॉक्टर रामदर्श राय को लोक रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित। उनकी लेखनी की गई सराहना। सेंट एंड्रयूज कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने निकाला सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली। आम जन को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति किया जागरूक। और रोज डे के साथ शुरू हुआ वैलेंटाइन वीक। हर दिन अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा वैलेंटाइन वीक। लोगों ने गुलाब की जमकर की खरीदारी। युवाओं ने हर दिन के लिए अलग अलग रंग के गुलाब की कराई एडवांस बुकिंग।